आज की प्रथम मीटिंग थी जो हमने SMS के प्रिंसिपल साहब, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और सभी HODs के साथ की। बहुत गर्व का विषय है राजस्थान के लिए कि SMS अस्पताल नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा अस्पताल है। मैंने देखा कि जितना यहाँ पे आउट पेशेंट लोड है, जितना इन पेशेंट लोड है, जितने बेड्स हैं, इतना तो दिल्ली के एम्स में भी नहीं है। ये मुझे भी नहीं पता था, ये मेरे अभी जानकारी में आया। तो उसके हिसाब से क्या सुविधाएं रोगियों को दी जानी है, क्योंकि पूरे प्रदेश की जो जनता है वो SMS की ओर आती है अपनी गंभीर बीमारियों को लेकर। तो उसके बारे में एक बहुत लंबी एक चर्चा हुई और कई तरीके से क्या किस तरह से सुविधाओं को बेहतर बनाया जाए और सब सुविधाएं रोगी को बीच में रखते हुए पेशेंट सेंट्रिक सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जो उनका एक्सपीरियंस यहाँ हॉस्पिटल में आके हो, उनको अच्छी चिकित्सीय सुविधा तो मिलेगी, लेकिन उनके रोगी को और परिजनों को एक अच्छा वातावरण भी मिले। उनको ऐसा ना लगे कि उनको भटकना पड़ रहा है या उनको कोई है। तो IT की सुविधाएं लेके और बेहतर टीम वर्क से ये सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जाएंगी, ऐसा एक प्लान बन। मैडम, एक SMS अस्पताल की बात करते हैं, हमेशा मेडिकल कॉलेज के लेवल पे कंट्रोलिंग जो है वो देखें। देखिए, निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि ये एक कंटिन्यूइंग चैलेंज है। जो व्यवस्थाएं हैं उनमें निरंतर सुधार होना चाहिए और उसके लिए हम सभी टीम वर्क से काम कर रहे हैं। अरे, छोटा सवाल है, IHMS में रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो पाएगी सारे अस्पतालों के कोऑर्डिनेशन की? देखिए, IHMS एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और उसके आने से सभी को एक अच्छी व्यवस्था मिलेगी, रोगियों को भी, डॉक्टर्स को भी, और उसको हम अब क्रियान्वित करेंगे। और जो ये रेफरेंस वाली पर्चियां हैं उसके लिए भी मैंने समयबद्ध तरीके से आग्रह किया है कि अगले 72 घंटों में वो व्यवस्था जो है पूरी तरह क्रियान्वित हो जाए। जो नहीं करते काम मैडम, इस तरह से जिम्मेदारी और जो डायरेक्शन नहीं मानते उन पे एक्शन भी काम होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मुझे टीम ने आश्वासित किया है कि ये पूरा काम करके हमें दिखाएंगे।